तो हे गाइस टू वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो आज हम आ गए नई वीडियो के साथ जो कि होने वाली है मेरी एक लॉन्ग राइड वीडियो। और आज मैं अपने गांव अल्मोड़ा रानीखेत से जाने वाला हूँ अपने घर मुरादाबाद। काफ़ी टाइम मेरे को हो चुका था यहाँ पर आए हुए और मैं सोच रहा था कि कब मैं यहाँ से जाऊँगा। तो अभी मैं जिस काम के लिए आया था वो काम आधा हो गया है और तब तक बाइक को कर देते हैं हम लोग कोल्ड स्टार्ट के लिए। तो मैं जो काम करने के लिए आया था वो मैं अभी कर चुका हूँ यहाँ पर, वो काम अभी थोड़ा पूरा हो चुका है। तो ये बाइक को स्टार्ट कर देते हैं अभी। ज़्यादा बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पर तो इसलिए थोड़ा सा स्टार्ट होने में प्रॉब्लम कर रही है। तो अभी मैं इसको चौक लगा के स्टार्ट कर देता हूँ। तो मैं अभी यहाँ से जाऊँगा और मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है अभी और बहुत ज़्यादा स्मोकी वेदर हो रखा है। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है कोहरा टाइप का लग रखा है काफ़ी दूर तक और ओस काफ़ी ज़्यादा है। और चलते हैं हम लोग। तो रोड की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है और ऑफ रोडिंग इस रोड पे मैं कर चुका हूँ। तो आपको अगर इसकी वीडियो चाहिए हो तो आपको आई बटन पे भी मिल जाएगी। तो हम लोग निकल चुके हैं यहाँ से और मेरे को जाना है यहाँ से यूपी मुरादाबाद। तो मैं यहाँ से जाता हूँ भद्रौज खान होता हुआ रामनगर गर्जिया देवी टेम्पल से होता हुआ सीधा ठाकुर द्वारा और ठाकुर द्वारा से सीधा आता हूँ मुरादाबाद। तो चलते हैं। तो ये जगह यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट जगह है और यहाँ पर जो आपके लैपर्ड वगैरह काफ़ी ज़्यादा रहते हैं इस जगह पर। तो ये मेरे को काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव टाइप का लगती है जगह और यहाँ पर मैंने खुद देखा है लैपर्ड को। तो यहाँ से जल्दी से खिसक लेते हैं। ये जो मेरे राइट साइड में जगह है ये बिल्कुल काफ़ी घनघोर जंगल है, काफ़ी डार्क रहता है यहाँ पर। तो यहाँ से निकल लेते हैं। जस्ट इस टर्न के बाद ज़्यादा उतनी प्रॉब्लम नहीं पड़ती है क्योंकि थोड़ा सा ओपन एरिया है। तो कल मैं आपको बताना भूल गया था कि कल मैं कहीं गया हुआ था, यहाँ पर कोई पूजा थी तो मैं पूजा के लिए गया हुआ था। तो ये वो जगह है जो आपको अभी दिख रही है। ये हमारे जो चाचा लोग रहते हैं हमारे गाँव में उन लोगों का है, उन लोगों के वहाँ कल पूजा थी तो हम लोग कल यहीं गए थे। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ से सामने से, खुद आप चेकआउट कीजिए। तो अब हम सीधा आ गए हैं, भद्रौज खान क्रॉस कर लिया है हमने और सामने हमारे हैं महादेव जो कि हिमालय पर्वत है सामने। और बहुत खूबसूरत लग रहा था इसलिए मैं खुद को रोक नहीं पाया और मैं रुक के यहाँ पर इसको देखने लगा। गोप्रो पता नहीं कितना जज कर पा रहा होगा बट यहाँ से बहुत ही अच्छा विज़न मिल रहा है मेरे को। तो बहुत ही अच्छा मेरे को दिखाई दे रहा है यहाँ से हिमालय पर्वत, बहुत ही खूबसूरत है। और भद्रौज खान से इस साइड में थोड़ा सा ठंड है क्योंकि ये थोड़ा डाउन साइड में है। तो चलते हैं यहाँ से आगे और सीधा रामनगर के रोड पे निकलते हैं। और तब तक आप कीजिए एंजॉय और मैं सीधा चलता हूँ। Change a thing now, there was never trust. Don't you say a word, cause I've heard it all. You were just a pain when you felt it all. Oh. Something tells me that I won't miss it. It's the first time that we can't fix it. It's irreversible damage done. The यहाँ पर एक राइट साइड में एक रेस्टोरेंट है जो कि बहुत अच्छा रेस्टोरेंट लगता है मेरे को, बट मैंने कभी यहाँ रुका नहीं क्योंकि मेरे को ट्रैवल करते टाइम रुकना ज़्यादा पसंद नहीं है, मैं सीधा चलना ज़्यादा पसंद करता हूँ। वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और मुझे यहीं राइड करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है और
काफ़ी टाइम से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था क्योंकि घर पे कुछ काम चल रहा था, तो इस वजह से वीडियो नहीं रेगुलर डाल पा रहा था। और GoPro भी थोड़ा इशू करने लगा था, अभी थोड़ा ठीक चल रहा है। प्राउड फील होता है जब अपने सामने कोई आर्मी का बंदा या आर्मी की कोई चीज़ जा रही होती है, काफ़ी रिस्पेक्टफुली उस चीज़ को हम करते हैं। मैं काफ़ी टाइम से इसके पीछे चल रहा था बट अब मैं आगे निकल चुका हूँ, सीधा चलते हैं। रोड बहुत अच्छी है। तो यहाँ से हम लोग ले लेते हैं लेफ्ट, जो कि जाता है अपना रामनगर गिरजा टेंपल की साइड, जो कि जंगल वाला एरिया पड़ता है, उस साइड से हम लोग निकल के जाने वाले हैं। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ठंड रहती है और आगे जाके एक जगह पड़ती है डाउन साइड जहाँ पर एक पानी वगैरह मिलता है, एक हैंडपम्प टाइप का कुछ है वहाँ पर, तो वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा ठंड रहती है। घर से टाइम निकलते टाइम मैं थोड़ा लेट हो गया था और मैं काफ़ी ज़्यादा लेट निकला क्योंकि कोहरा बहुत ज़्यादा कोहरा था इस टाइम पर और ठंड काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, मेरे को थोड़ा लेट हो गया। तो पता नहीं क्यों मेरा बार बार मेरा GoPro इशू कर रहा है, बार बार इसका मेमोरी कार्ड एरर आ रहा है बना हुआ, और मैं काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका हूँ ऑलरेडी और मेरे को घर पहुँचते पहुँचते रात हो जाएगी। और पहाड़ों में ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा थकाने वाला होता है, जो कि बहुत ज़्यादा आपको थका देता है। तो वहीं इस बाइक का सस्पेंशन और सीट भी बहुत ज़्यादा हार्ड है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती है। तो मैं अब सीधा घर चलता हूँ और GoPro बहुत ज़्यादा इशू कर रहा है, तो मैं इसको मुझे बंद करना पड़ेगा और मैं सीधा अपने घर पहुँच जाता हूँ। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और एक लाइक ज़रूर कर दें। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।